नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले में गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी। संडिस कंपाउंड में होगा मुख्य समारोह। आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलकियां। भागलपुर से जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन की हुई शुरुआत। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नगर भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मोबाइल में वोटर आईडी डाउनलोड करने की दी गई जानकारी। ड्रग विभाग ने मेडिसिन स्टोर में की छापेमारी। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा को किया बरामद। और बहाली की मांग को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के सामने एकजनी कर जताया विरोध। अब समाचार विस्तार से। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया था, जिसके तहत भारत को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र घोषित किया गया। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इधर भागलपुर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है। झंडोत्तोलन स्थल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य समारोह संडिस कंपाउंड में होगा और यहां प्रमंडलीय आयुक्त झंडोत्तोलन करेगी। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर संडिस कंपाउंड में आयोजित परेड में सफल संचालन और आकर्षक बनाने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कई दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि 24 जनवरी को अंतिम पूर्वाभ्यास परेड का आयोजन संडिस कंपाउंड मैदान में किया गया था। वहीं भागलपुर नगर निगम, एसएसपी कार्यालय, एसडीओ ऑफिस, जिला परिषद समेत जिले के कई शैक्षणिक संस्थान और निजी प्रतिष्ठानों में गणतंत्र दिवस की तैयारी अंतिम चरण में दिखी। गौरतलब हो कि इस बार तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मुख्य समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय स्टेडियम में किया जाएगा, जहां प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी तिरंगा फहराएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। खास बात यह है कि इस बार टीएमबीयू में परेड के अलावा लोक आस्था के पर्व छठ की भी झलकियां दिखाई देंगी। इसको लेकर मारवाड़ी महाविद्यालय एनएसएस इकाई की ओर से सोमवार को स्वयंसेवकों और सेविकाओं ने रिहर्सल किया। वहीं विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मालदा मंडल के भागलपुर रेलवे स्टेशन से सोमवार को भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। इस दौरान ट्रेन को भागलपुर स्टेशन से सांसद अजय मंडल, मेयर सीमा शाह, कहलगांव विधायक पवन यादव, डीआरएम यतीन्द्र कुमार समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर ट्रेन का परिचालन शुरू होने से बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और जयनगर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं सांसद ने कहा कि लॉकडाउन के बाद नई ट्रेन की शुरुआत हुई है, जो अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार और रेल मंत्रालय भागलपुर से और ट्रेन खोलने की शुरुआत करेगा। सोमवार को भागलपुर नगर भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। 11वें मतदाता दिवस आयोजन के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने नव पंजीकृत मतदाताओं को बधाई दी एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग करने की बात कही। इसी तरह का कार्यक्रम प्रखंड और मंडल स्तर पर भी हो रहा है, इवन आपका जो बूथ स्तर है उस पर भी हो रहा है। वहां भी नए मतदाता जुड़े हैं, उनको वोटर आईडी कार्ड दिया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया सतत अनवरत चलती रहेगी। जिनकी भी उम्र 18 वर्ष 1 जनवरी 2021 को हो जाती है, वो मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। ये हमारा 11वां नेशनल वोटर्स डे हम लोग आज मना रहे हैं और ये 2011 से शुरू हुआ था और 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में आज ही के दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। ड्रग विभाग ने छापेमारी कर सोमवार को नवगछिया के मिलटोला स्थित हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नींद की दवा को बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार ड्रग विभाग को कदवा के रास्ते प्रतिबंधित दवाओं की एक बड़ी खेप मधेपुरा जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद विभागीय स्तर से पुलिस की मदद ली गई। चेकिंग के क्रम में विभाग को एक बोलेरो से 16 कार्टून प्रतिबंधित कफ सिरप मिला।
उसी बोलेरो चालक की निशानदेही पर नवगछिया के मील टोला स्थित रेलवे ढाला के पास हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर के गोदाम में छापेमारी की गई, जहां से 20 कार्टून प्रतिबंधित कफ सिरफ और 6 कार्टून प्रतिबंधित नीन की दवा बरामद की गई। भागलपुर समाहरणालय मुख्य द्वार पर सोमवार को 2011 में आवेदन करने वाले होमगार्ड अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड अभ्यर्थियों ने कचहरी चौक पर अगजनी कर सरकार और जिलाधिकारी से फिजिकल टेस्ट की तिथि घोषित करने के साथ अविलंब बहाली करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व संतोष तांती ने किया। वहीं अभ्यर्थी समीर कुमार और गुलशन कुमार ने कहा कि 2011 में सरकार द्वारा होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी, जिसमें आवेदन करने के बाद 10 वर्ष बीत गए, लेकिन भागलपुर जिले में अब तक न तो फिजिकल टेस्ट हुआ है और ना ही बहाली की गई, जबकि राज्य के कई जिलों में बहाली हो चुकी है। साथ ही कहा कि जब तक बहाली नहीं होगी तब तक बेरोजगार होमगार्ड अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर दिलीप कुमार समेत काफी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। हम लोग 2011 में एक बहाली आई थी होमगार्ड, तो हम लोग एक भारी सभा में हम लोग गए, उसको बहाली का फॉर्म फिलअप करवाए, तो फिर वहाँ के जितने भी अधिकारी थे कि आप लोग को चंद ही बहाल कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब तक 2021 हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक हमारा कोई प्रक्रिया नहीं हो पाया। एक वर्ष पूर्व नवगछिया गौशाला रोड स्थित दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने और गोलीबारी करने के मामले में फरार चल रहे अपराधी लतरा गांव निवासी राहुल यादव के घर सोमवार को नवगछिया पुलिस ने इश्तिहार चिपका दिया। मामले को लेकर नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि यदि 15 दिनों में राहुल यादव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया तो पुलिस उसके घर की कुर्की जब्ती करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और आनंद पब्लिक स्कूल की ओर से तमाम शहरवासियों को, तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं गणतंत्र दिवस की, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश समस्त नागरिकों के साथ उन्नति के पथ पर आगे बढ़े और हम फिर से अपने पुराने विश्व गुरु वाली जो ख्याति है उसको प्राप्त करें। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सोसाइटी जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना पर लगातार काम करती है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट जरूर पहने, कार चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं और गाड़ी की स्पीड पर नियंत्रण जरूर रखें, अन्यथा कोई भी अनहोनी हो सकता है। इसलिए आप सचेत रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत। मैं समस्त भारतीय नागरिकों को भारतीय गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन करता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ और इस संविधान के अंतर्गत हमारे देश को एक सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेटिक स्टेट घोषित किया गया। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि संविधान के अनुसार ही सारे नियमों का आप लोग पालन करें। सिल्क टीवी के सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। मैं आरती कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पूरे देशवासियों को एवं नाथनगर क्षेत्र के देवमयी जनता को, पूरे भागलपुर वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। और आज हम सब एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लें कि हमारा देश आगे हो और समाज के साथ मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाने में सभी मिलजुल कर आगे आए। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर भागलपुर वासियों, बिहार वासियों, देश वासियों को ढेर सारी आज 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी को संविधान हमारा बना था, तिरंगा हमारा देश का आन बान शान है। इनको कोई भी नजर उठा के देखने का काम करेगा, हम सब उसको कुचलने का काम करेंगे। जय हिंद जय भागलपुर, जय बिहार, भागलपुर विकास पुरुष पप्पू यादव।
मैं मिथुन कुमार भावी जिला परिषद प्रत्याशी समस्त देशवासियों एवं नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र के सभी देवमयी जनता को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं अंजना देवी भावी मुखिया प्रत्याशी बेलखुरिया पंचायत नाथनगर की ओर से समस्त जिले वासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। मैं मधुसूदन तांती वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 4 जगदीशपुर पंचायत की ओर से तमाम देशवासियों और अपने वार्ड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ब्रजेश कुमार थाना अध्यक्ष जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं तरुण केसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों और प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं निखिल आनंद समाज सेवी जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजकुमार पंजियारा पैक्स अध्यक्ष जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों और अपने प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुजीत कुमार मंडल भावी मुखिया प्रत्याशी भवानीपुर देसरी पंचायत जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भैरव यादव मुखिया शैनो पंचायत जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मोहम्मद मुस्तकीम मुखिया बैजानी पंचायत जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों और पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं श्रीमती ममता साह मुखिया जगदीशपुर पंचायत की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र की तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं ओमकार नाथ मंडल उर्फ बीरबल मंडल समाज सेवी जगदीशपुर की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों और जगदीशपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देवेंद्र भारती उर्फ डब्लू सिंह जिला परिषद प्रत्याशी गोराडी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंकज कुमार मंडल मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत मुरहन जमीन तमाम पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस 2021 की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं डॉक्टर तनवीर हसन मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अगरपुर। सबसे पहले तो मैं सरकार के जो कृषि का कानून है काला कानून है उसका विरोध करता हूं। मैं उषा देवी मुखिया मलिकपुर पंचायत पीरपैंती की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं प्रभात कुमार उर्फ प्रफुल पैक्स अध्यक्ष गोविंदपुर पीरपैंती की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सहारा इवॉल्व्स के इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक रिक्शा की शोरूम बांका व्हील्स मुकेश कुमार की तरफ से समस्त जिले वासी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर सरिता घोष प्रधान अध्यापिका LND वालिका उच्च विद्यालय बौसी की ओर से समस्त देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं निर्मल कुमार यादव पैक्स अध्यक्ष अंगारू पैक्स बौसी की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजकिशोर सिंह
थाना अध्यक्ष बौसी की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर तिलकामांझी हटिया रोड में आज पारस डेंटल केयर का शुभारंभ हुआ। डेंटल केयर का उद्घाटन वरीय चिकित्सक प्रदीप कुमार, डॉक्टर जेपी सिन्हा, वार्ड नंबर 32 के पार्षद हंसल सिंह, समाज सेवी सोनू घोष, विनोद कुमार सिन्हा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृषाणु सिन्हा ने कहा कि हम लोग एक ही छत के नीचे मरीजों को कई सारी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि आज के दौर में दांतों की साफ सफाई बेहद जरूरी है, नहीं तो दांतों में समस्या उत्पन्न हो सकती है और यह कैंसर को भी जन्म दे सकता है। पारस केयर के संचालक ने कहा कि हमारे क्लिनिक में पायरिया, दांत निकालना, दांतों को भरना, दांतों की सफाई करना, इन्फेक्शन सहित दंत से जुड़ी सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस दौरान नगर निगम के वार्ड पार्षद हंसल सिंह और शहर के चिकित्सकों ने डॉक्टर कृषाणु सिन्हा को बुके देकर बधाई दी, साथ ही क्लिनिक में दी जाने वाली सेवा और सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं संचालक ने बताया कि शहरवासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पारस डेंटल केयर खोला गया है। ये पारस डेंटल केयर है, दांतों का अस्पताल। यहाँ पे सुविधाएं रूट केनाल ट्रीटमेंट, जो एडवांस ट्रीटमेंट होती है रोटरी एनोडोंटिक से, वो होता है। दांतों को भरना होता है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो फिक्स दांत होता है, फिक्स कैप बोलते हैं, फिक्स क्राउन एम्ब्रेज इंडस्ट्री है, वो होता है यहाँ पे। फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स होता है और जो भी मसूड़ा और पायरिया का इलाज एकदम सुविधाएं उपलब्ध होती है, अच्छा है इधर। और हमारे यहाँ सबसे अच्छा है कि जो डिजिटल एक्सरे होती है वो बहुत ही कम टाइम में होता है, विद बहुत ही कम एक्सपोजर रहता है इधर। पेशेंट भी सेफ होता है, हमारे स्टाफ भी सेफ रहेंगे, डॉक्टर्स भी सेफ रहते हैं इधर। तो रेडिएशन बहुत ही काफी कम है इधर और जितनी भी सुविधाएं हैं सारे उत्तम और सभी वर्गों के लिए है। हर 5 में से 2 लोगों का लीवर खराब है, वजह असमय और असंतुलित भोजन करना। शराब की लत एवं गलत जीवन शैली भी भारतीय लोगों के लीवर को बीमार कर रही है। यह समस्या हृदय रोग से कहीं अधिक गंभीर रूप लेती जा रही है। हर वर्ष 10 लाख लीवर सिरोसिस के मामले देखने को मिल रहे हैं। यह बातें रविवार को बांका जिला में लगाए गए फ्री हेल्थ कैंप में सामने आई। बता दें कि एजाज सैयदना फाउंडेशन की ओर से सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 9 में मुफ्त मेडिकल कैंप शिविर लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों मरीज के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श दिया गया। शिविर में डॉक्टर एम सरफराज, डॉक्टर शाहिस्ता जबी, डॉक्टर अब्दुल कादिर सहित कई चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। वहीं सैयद अहमद तेहामी कादरी और फाउंडेशन के सचिव सैयद अहमद अता हुसाम कादरी ने कहा कि हमारी संस्था की ओर से हमेशा इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है। तानपुर मुखरिया अमरपुर बांका में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया एजाज सैयदना फाउंडेशन की ओर से। इस कैंप में जांच के साथ साथ मुफ्त चेकअप, मुफ्त जांच और साथ ही मुफ्त दवाई दी गई। भागलपुर के सबौर स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर संजय कुमार पासवान समेत सभी शिक्षकों की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने स्कूल बैंड की धुन पर रिहर्सल किया। प्रैक्टिस कार्यक्रम में बारी बारी से छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत पर नृत्य की प्रस्तुति दी, जबकि स्कूल के छात्रों की बैंड टीम समेत शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने प्रैक्टिस परेड में हिस्सा लिया।
वहीं मंगलवार को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर डायरेक्टर संजय पासवान ने कहा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस समारोह उल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में पहली बार गणतंत्र दिवस का मौका आया है और इस दौर में हमें सावधानी से अपना राष्ट्रीय पर्व मनाकर दुनिया को एक संदेश देना चाहिए। 25 जनवरी का ये एक प्रैक्टिस प्रोग्राम था, आज गणतंत्र दिवस को लेकर के बच्चों के बीच एक प्रैक्टिस था, क्योंकि 26 जनवरी कल मनानी है, गणतंत्र दिवस मनाना है, इसके लिए बच्चों को बुलाया गया था शॉर्ट नोटिस पे। बच्चे ने अच्छे प्रैक्टिस किया, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा था और हमें गणतंत्र दिवस मनाना है, हम सभी को मनाना है, किसी भी स्तर पर मनाना है। कहते हैं कि है भरा नहीं जिभाव से बहुत ही जिसमें रजधार नहीं, वह हृदय नहीं और पत्थर जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। कल पूरा देश इस पर्व में झूमना चाहिए, क्योंकि कोरोना की धैर्य की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। ये आज़ादी का दिन है, आज़ादी का समय है, हम शामिल होंगे और बच्चों को भी शामिल करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक आयोजित हुई। बैठक कुलपति के आवासीय कार्यालय में हुई। इस दौरान पूर्व प्रस्तावित एजेंडों पर सदस्यों से विचार विमर्श के बाद सहमति बनी। बैठक में 23 जनवरी को आयोजित हुए संबंधन और नया शिक्षण कार्यक्रम समिति की बैठक के वृत्त को सदन के पटल पर रखा गया। बैठक में छात्रहित में प्राप्त आवेदन के आलोक में स्नातक स्तर पर 50% सीट वृद्धि पर विचार किया गया। साथ ही सीट वृद्धि मामले में एक कमेटी बनाने का निर्देश प्रभारी कुलपति ने दिया। इधर पाठ्यक्रम समिति द्वारा 2 वर्षीय MCA कोर्स के लिए नए सिलेबस की स्वीकृति दी गई। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका डॉक्टर लक्ष्मी पांडे द्वारा समर्पित योगा और काउंसलिंग से संबंधित सेल्फ फिनांस डिप्लोमा कोर्स को शुरू करने पर भी विचार किया गया। बैठक में TNB कॉलेज में इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल विषय में PG की पढ़ाई शुरू करने पर सहमति बनी। साथ ही कुलपति ने कहा कि जिन कॉलेजों में एक भी विषय में PG की पढ़ाई होती है, वैसे कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट मानक वाले कॉलेज कहलाएंगे। बांका के अमरपुर शोभानपुर बहियार में बिजली की पोल से गिरकर एक मिस्त्री जख्मी हो गया। मिस्त्री की पहचान खगड़िया जिला के पसराहा गांव निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर घायल के मित्र गौकरण कुमार ने बताया कि शोभानपुर बहियार में लाइन काटने के लिए राकेश बिजली के खंभे पर चढ़ा था, इसी दौरान करंट के झटके से वह जमीन पर गिरकर जख्मी हो गया। वहीं डॉक्टरों ने जख्मी की स्थिति चिंताजनक बताई है। बांका जिला झारखंड बॉर्डर से सटे होने के कारण प्रत्येक दिन देशी व विदेशी शराब की छोटी बड़ी खेप यहां से लाई ले जाई जाती है। सोमवार को समाहर्ता बांका के आदेशों पर उत्पाद विभाग द्वारा जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण किया गया। उत्पाद विभाग के द्वारा गड्ढा खोद कर जब्त की गई शराब को दफन कर दिया गया। बांका SDM मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि 50 कांडों में जब्त की गई 4034 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 28 लाख बताया गया है। इस दौरान बांका मद निषेध अधीक्षक अरुण कुमार सहित उत्पाद विभाग के कर्मी मौजूद थे। 34.950 लीटर शराब जो है वो उसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है और ये कुल 50 कांडों में जब्त शराब है। बांका के अमरपुर डुमराना गांव स्थित माघी काली मंदिर परिसर में पूजा समिति के सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डे पृथ्वीराज चक्रवर्ती ने की। बैठक में आगामी 10 फरवरी से होने वाली मां काली पूजा की तैयारी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बता दें कि डुमराना गाँव में बंगाली पद्धति से मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा में विदेशों में रह रहे ग्रामीण भी अपने गाँव डुमराना आते हैं, जिस कारण पूरे गाँव में उत्सवी माहौल बना रहता है। पूजा में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष COVID-19 के तहत पूजा समितियों के द्वारा मेला नहीं लगाने का निर्णय लिया गया। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी, संडिस कंपाउंड में होगा मुख्य समारोह, आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलकियां। भागलपुर से जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन की हुई शुरुआत, सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नगर भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मोबाइल में वोटर आईडी डाउनलोड करने की दी गई जानकारी। ड्रग विभाग ने मेडिसिन स्टोर में की छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा को किया बरामद। और बहाली की मांग को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, DM कार्यालय के सामने जनी कर जताया विरोध।
आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।